वैसे तो दिल्ली दिल वालों की वजह से जानी जाती है, पर भैया दिल्ली ने अपने भीतर क्या क्या छिपा रखा है इसका पता लगाना इतना आसान थोड़ी ना है। खैर हिस्ट्री को छोड़ो और जियोग्राफी को भी किनारे करते हैं। अभी लॉकडाउन खुला तो पब्लिक बाहर आने लगी, तो हम भी निकल लिए न्यूज़पेपर की तलाश में। अभी आप बोलोगे न्यूज़पेपर तो कॉलोनी में भी मिल जाता है, तो उसके लिए इतना लंबा सफ़र क्यों? तो बात ऐसी है कि कुछ खास न्यूज़पेपर के लिए कुछ खास जगहों पर जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे ऐसी क्या खास बात है? तो भैया बात यह है कि हमारे एक मित्र ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। अब हुआ यूं कि उनके डॉक्यूमेंट में कहीं तो सरनेम है और कहीं नहीं है, तो पासपोर्ट नहीं बन पा रहा। इसके लिए नेम चेंज करवाने का विज्ञापन देना पड़ा। अब जिस न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया है वो हमारी कॉलोनी के आसपास दिखता ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से? अब हमारे मित्र जो कि शिमला गए हुए हैं और शिमला की हसीन वादियों का आनंद उठा रहे हैं, और हमें फ़ोन करके बोला है कि यार न्यूज़पेपर ले लियो, नहीं तो दोबारा मिलेगा नहीं। तो हम भी निकल लिए NSP से, दो स्टेशन पार किया, आ गया इंदरलोक। अब इंदरलोक की खास बात ये है कि यहाँ से बहादुरगढ़ के लिए ग्रीन लाइन मेट्रो चलती है, सो इसके विषय में बाद में बात करेंगे। दूसरी खास बात ये है कि यहाँ वाटर कूलर बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है, और आजकल गर्मी बहुत है और गर्मी के मौसम में कूलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके पास AC नहीं है तो। खैर तीसरी खास बात यह है कि यहाँ आधार सेवा केंद्र भी है, अगर आप अपने आधार में किसी प्रकार का बदलाव सुधार करवाना चाहते हैं तो यहाँ से करवा सकते हैं। लो जी बातों बातों में पहुँच आए 30,000 कोट। 30,000 कोट के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, मगर इस कोट का नाम 30,000 क्यों पड़ा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। इसके बदले में आपको इनाम तो नहीं मिलेगा, मगर आपके माध्यम से ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुँचेगी और कहीं ना कहीं आपका नाम जुड़ेगा। क्या छोड़िए अब आगे कश्मीरी गेट। अब कश्मीरी गेट की खास बात यह है कि यहाँ कोई कश्मीर नहीं है, मगर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है जहाँ से आप UP, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए आसानी से बसें ले सकते हैं। यहाँ AC और non AC दोनों तरीके की बसें उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप दिल्ली लोकल घूमने के लिए भी बसों का पूरा आनंद उठा सकते हैं। साथ ही ऑटो स्पेयर पार्ट की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ आप अपनी गाड़ियों के पार्ट्स आसानी से ले सकते हैं और कम दामों पर ले सकते हैं। तो हमें जाना है ITO, फिलहाल उसके लिए दूसरी मेट्रो का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और दूसरी मेट्रो का इंतजार करते हैं। लो जी आ गई हमारी मेट्रो, तो चलिए चलते हैं। तो भैया लाल किला, दरियागंज, दिल्ली गेट स्टेशन को पार करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ। यहाँ बोले तो ITO। यहाँ गर्मी और धूप, ओहो क्या कहने हैं, और उस पर एक पेड़ की छाँव मिल जाए और उसके सामने बड़ी लाल आइसक्रीम वाला हो तो एक आइसक्रीम तो बनती है। वैसे पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं इसका असली पता धूप में ही चलता है, जब आप थके हारे हो और छांव की तलाश में हो और एक पेड़ दिख जाए तो लगता है कि जान में जान आ गई। और दिल्ली के पोल्यूशन से बचने के लिए भी पेड़ बहुत ज़रूरी है, और आजकल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का हाल देख लिए है ना अभी लॉकडाउन में, सो पेड़ लगाते रहिए अगर ज़िंदा रहना है तो, बाकी आप समझदार हैं। एक तो पेड़ की ठंडी छांव, ऊपर से ठंडी ठंडी बड़ी लाल स्पेशल आइसक्रीम, मतलब दुगना मजा है, और इस मजे को शब्दों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल है। तो अगर आप इधर जाते हैं तो PWD, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, इनकम टैक्स ऑफिस और भी कई तरह के ऑफिस हैं जहां आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप न्यूज़पेपर के बड़े बड़े दफ्तरों में जा सकते हैं। फिलहाल हमें इसी साइड जाना है। यहाँ पर आपको छोटे बड़े सभी न्यूज़पेपर के ऑफिस मिल जाते हैं, मतलब आप विज्ञापन करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ आकर करवा सकते हैं, अगर नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो न्यूज़पेपर में विज्ञापन देती हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे या कमेंट करते हैं तो मैं आपको कई सारे न्यूज़पेपर एजेंसियों के नाम और नंबर दे दूँगा। फिलहाल हमने ले लिया अपना खास न्यूज़पेपर और इतनी गर्मी में गला तो सबका सूख रहा है, तो पीते हैं नारियल पानी, वो भी स्पेशल वाला, यानी पका नारियल और सिर्फ 20 रुपये में। और वीडियो का भी यही करते हैं अंत और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं फिर अगले सफर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।